हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कुछ दिन पहले हमने CBSE से RTI मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत CBSE के प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट और RT के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी और अंततोगत्वा उसकी रिप्लाई आज आ गई। हमने वीडियो बना करके इसके बारे में आपको बता दिया है कि CBSE ने क्या रिप्लाई दिया है और हमने क्या पूछा था CBSE से। बड़ा कष्ट हो रहा है बच्चों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ को। मैंने बार बार आपसे कहा बेटा फॉर्म आएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा कहा जा रहा था। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन किया है और उन्होंने कहा फॉर्म आएगा, एग्ज़ाम्स होंगे, सही से एग्ज़ाम्स होंगे, ये है वो है। चलो ठीक है, जब भी एग्ज़ाम्स होंगे, जब भी फॉर्म आएगा, वो तो आएगा ही कभी ना कभी। जब बातें कटती हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है, और उम्मीद ये नहीं थी कि CBSE इस तरीके का रवैया अपनाएगी। इन्होंने क्या कहा है, हमने क्या बताया है, हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने पिछले वीडियो में डाल ही दिया है, आप जाकर के देख सकते हो। हमने 6 क्वेश्चंस पूछे थे, इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा था कि क्या प्राइवेट के बच्चे अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इन्होंने सिर्फ लिख दिया है यस, कि मतलब वो चेंज कर सकते हैं। बाकी 5 क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, 5 में से एक के बारे में लिखा है कि एक सर्कुलर हमने निकाला था उसमें सारी सूचनाएँ दी गई हैं, चलो मान लेते हैं, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया है कि इसके बारे में अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हालांकि हमने आपसे पूछा भी था और आपने कहा है तो मैं जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास मैं भेजूंगा। हम संतुष्ट नहीं हैं सूचना से और हमारा अधिकार भी हम भाई मांगेंगे, चलिए वो तो खैर दूसरी बात हो गई। लेकिन इस तरीके का सकारात्मक रवैया CBSE जब अपनाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अब यहां तो सारी चीज़ें नकारात्मक हैं। पिछले साल आप जानते ही हो कि आपके साथ क्या हुआ। लोग कह रहे हैं ना कि आपने हमें बरगलाया, अभी पिछले कमेंट में बच्चों ने बताया, बच्चों मैं क्यों बरगलाऊँगा, आपका एग्ज़ाम ना होने से मुझे कोई खुशी हो जाएगी या आपका एग्ज़ाम होने से मुझे कुछ मिल जाएगा। आपके लिए मैंने कोशिश की और ये जो सूचनाएं मुझे मिल रही थी ना, कहीं ना कहीं CBSE के कुछ लोगों के द्वारा बताई जा रही थी, मतलब वो चाहे फ़ोन कॉल पे बता रहे हो, और आप में से ही बहुत सारे बच्चों को CBSE ने जब वो हेडक्वार्टर पे रीजनल ऑफिस में बच्चों ने फ़ोन किया है तो उनको कहा गया कि बस फॉर्म 1 हफ्ते में आ जाएंगे, और फॉर्म ही नहीं आएंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी होंगे। अब कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है, हमारे पास में अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया है। अब ये डिसाइड अभी तक नहीं किए हैं, टर्म 1 का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, मतलब टर्म 1 का एग्ज़ाम या तो ये लेना नहीं चाह रहे, डिसाइड करेंगे, फॉर्म आएगा, उसके बाद में बच्चे फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म भरने के बाद तैयारी के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। बड़ी निराशा होती है इन सब बातों को देख करके। आपका साल पिछले साल किसने ख़राब किया, किसी यूट्यूबर ने ख़राब किया? नहीं बच्चों, यूट्यूबर की कोई गलती नहीं, किसी भी यूट्यूबर की। हुआ क्या था, आपने देखा होगा तमाम सारे बच्चों ने CBSE के हेडक्वार्टर पर माननीय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज जी को ईमेल किया कि सर जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट सबके हुए हैं, रेगुलर के या खाली मतलब रेगुलर के हुए हैं। उन्होंने कहा सबका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, और ऐसे कई सारे ईमेल्स का स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा, देखा होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा, हो सकता है रिप्लाई आपको ही आई हो। उसके बाद में अचानक से एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया गया, हुआ कि नहीं एग्ज़ाम, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, एग्ज़ाम होगा और आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ा, शॉर्ट नोटिस में देना पड़ा। अभी तक इनके द्वारा ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आपका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, होगा तो फॉर्म्स कब आएंगे। एक बात तो क्लियर है बच्चों कि इनके एग्ज़ाम बायलॉज में लिखा हुआ CBSE के कि प्राइवेट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होना है, तो एग्ज़ाम तो होना है। थोड़ा सा कब करवाएंगे अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डिसाइड कर लेना चाहिए था। डियर लर्नर्स, अगर आप क्लास 6 से 12 में हैं तो एक काफी अच्छी न्यूज है आप सबके लिए। अनअकैडमी ने स्पेशल फेस्टिव सीजन ऑफर लॉन्च किया है जो कुछ इस तरीके से है। बच्चों, CBSE के 12 15 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 4 महीने, 24 36 48 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने और 60 72 84 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे 8 महीने फ्री। तो ये सब्सक्रिप्शन एक बंडल के फॉर्म में आता है। अगर आप क्लास 6 से 12 के किसी भी ड्यूरेशन का पैक लेते हैं तो आपको सब क्लास 6 से 12 का एक्सेस उतनी ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे कुछ इस तरीके से हैं बच्चों। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, ये फ्यूचर में लर्नर मेंटर के साथ डेडिकेटेड स्लॉट बुक करके अपने होमवर्क से रिलेटेड डाउट्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। पर्सनल मेंटर, हर एक लर्नर को एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाएगा जो उनकी एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक जर्नी के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। स्टडी प्लानर, हर एक लर्नर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्टडी प्लान दिया जाएगा जो उनकी मंथली प्रोग्रेस को ट्रैक करने में भी हेल्प कर देगा। वीकली रिपोर्ट, लर्नर की अनअकैडमी ऐप पर की हुई हर एक एक्टिविटी का ट्रैक, उसके साथ साथ में लर्नर के द्वारा दिए हुए टेस्ट के स्कोर का रिपोर्ट वीकली आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। इन सब फीचर्स के साथ साथ ही मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशन जो कि एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प कर देगा। इसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप CBSE क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें हमारा कोड GEA और पाएं आप 10% एक्स्ट्रा।
भाई ये बच्चे भी हैं, इनको भी पढ़ाई करनी है अचानक से, तो ये पढ़ करके ऐसे कोई है नहीं कि इधर पढ़े उधर सारा चीज़ याद हो गया एग्ज़ाम दे आए, यही बच्चों के साथ हुआ है और इसीलिए बच्चे फेल हुए हैं। तो इस तरीके की सूचना देना, वैसे हम इसको मांगेंगे अभी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में मांगेंगे, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर सूचना फिर से मांगिए, ये सूचना कोई सूचना नहीं हुई, आपके पास में इन्फॉर्मेशन अभी तक क्यों नहीं है भाई, या नहीं है तो कब तक आएगी, कुछ तो आपको बताना चाहिए था कि इसके बारे में इतने डेट में डिसाइड किया जाएगा। सबसे अजीब बात जो ये है कि हमारे ये बच्चे जिनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, एक साल दो साल बर्बाद हो चुका है, उनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब इस तरीके का तो रवैया अच्छा नहीं है ना, आज तक डिसाइड नहीं हो पाया मतलब कहीं ना कहीं उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी भी कई सारे बच्चों ने फ़ोन किया था तो उनसे कहा गया था फॉर्म्स आ जाएंगे, और फॉर्म तो बच्चों आएंगे ही आएंगे क्योंकि एग्ज़ाम बाय लॉज में लिखा है, उसको कोई भी काट नहीं सकता, एग्ज़ाम तो होना ही होना है। कैसे होना है, कब, क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से, ये डिसाइड करेंगे और उसको हम आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर ये ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम होना चाहिए और इसके बारे में CBSE को पहले बताना भी चाहिए। अभी फॉर्म निकलेगा, बच्चे फॉर्म भरेंगे, तैयारी करेंगे, किस तरीके से परीक्षा देंगे तो बच्चे जानते हैं, और इन बच्चों को तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। ये बच्चे एक दो साल से इनका मनोबल भी टूटा हुआ है, और प्रॉब्लम तो होती है बच्चों। और मेरा भी देखो इंटेंशन यही था कि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, अब यही लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि हर हाल में आपका एग्ज़ाम तो होना है, चाहे टर्म वन हो, टर्म टू हो, या फुल टर्म का हो, एक साथ में हो, डिस्क्रिप्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है, इस बार भी कह रहा हूँ कि मन लगा करके तैयारी करो, एग्ज़ाम जब होना होगा, फॉर्म जब आना होगा आ जाएगा। अगर फॉर्म 8-10 दिन में नहीं आता है तो ये मान करके चलो कि तुम्हारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जैसे सबका होता था पिछले सालों में, उस तरीके का पेपर फिर से बनेगा, उस तरीके का एग्ज़ाम आपको देना होगा फुल टर्म कोर्स का, मतलब आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव पढ़ करके जाना होगा और वही 70% का पूरा सिलेबस पढ़ करके जाना होगा जिसका एग्ज़ाम एक साथ में होना है। अगर CBSE देर कर देती है डिसाइड करने में तो टर्म वन और टर्म टू आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैसे CBSE है बेटा, ये कुछ भी कर सकती है और इनका डिसीजन कभी भी आ सकता है, हो सकता है आज तक डिसाइड ना हुआ हो, कल परसों नर्सों में डिसाइड हो जाए, 2-4-10 दिन में डिसाइड हो जाए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इस RTI से अपना मनोबल मत तोड़ना कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एक कागज़ का टुकड़ा है, आज डिसाइड नहीं हुआ है, कल डिसाइड हो सकता है, परसों डिसाइड हो सकता है। CBSE भी एक बोर्ड है, वहाँ भी विद्वान लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ डिसीजन अभी तक ना हो पाया हो, लेकिन वो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेंगे बच्चों जो आपके हित की ना हो। हाँ, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, इससे हमें थोड़ी सी परेशानी है, आपको प्रॉब्लम है, आप दुविधा की स्थिति में हो। बहुत सारे बच्चों ने दूसरे बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा, CBSE के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़े हुए हैं, मानते हैं, लेकिन वो लोग भी आपके बारे में कभी ना कभी तो सोचेंगे ही, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसा वैसा व्यक्ति बैठा है, सब सिविल सर्वेंट बैठे हुए हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर तो उनके अंदर कमाल की होती है, ठीक ठाक से निर्णय कुछ ना कुछ लेंगे ही, और जो भी लेंगे ये मान करके चलो कि उस पर आपको वर्क करना है और उस पर अपने आप को खरा उतर करके दिखाना है। बच्चों तैयारी अच्छे से करिए, डिस्क्रिप्टिव की करिए, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप तैयार हो ही जाएगा, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर टर्म वन हो जाता है इन केस तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, टर्म टू नहीं भी होता है तो फुल टर्म में आपका ये वाला पेपर तो आ ही जाएगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के आदेशानुसार, आप लोगों के अनुरोध के आधार पर मैं इस पर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में इसको कर रहा हूं कि मैं इस सूचना से संतुष्ट नहीं हूं, और अगर कोई नई सूचना है या कुछ है तो हमें भेजा जाए, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि वेबसाइट देखते रहिए, जब होगा तब बता दिया जाएगा, ये तो कोई सूचना है नहीं बच्चों। हम जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम फिर से आपको बताएंगे। एक बात मैं चलते चलते कहूँगा कि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है कि मैं आपके इस टॉपिक पर वीडियोज़ ना बनाऊँ तो बताओ, मैं बंद कर देता हूँ। टॉपिक्स तो बच्चों हज़ारों हैं, पढ़ाने की टॉपिक्स हैं, मोटिवेशन के टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की कमी नहीं है। मैं आपके लिए वीडियोस इसलिए बना रहा था बच्चों क्योंकि आप लोगों को सभी लोगों ने छोड़ दिया है, ज़्यादातर लोग पास होने वाले बच्चों के साथ में रहते हैं कि इनके बारे में करो, ये तो लाखों की संख्या में है। खुद सोचो यार, अगर मैं रेगुलर बच्चों के बारे में वीडियोस बनाऊंगा तब तो वो तो लाखों की संख्या में है, उतने व्यूज जाएंगे, और मैं 10-15 हज़ार लोगों के लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी मैं अपना मानता हूँ, और प्रॉपरली उनके लिए तो सभी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। बहरहाल आपकी जैसी इच्छा, अगर आप कहोगे तो मैं आपके बारे में वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। कितना फॉलो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सारी बातें हमें कमेंट में बताना, आप क्या चाहते हो, आपके सुझाव आमंत्रित हैं हमारी तरफ से। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।